बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। बहराइच कौन सा जिला है कभी सर्च करना गूगल पे, अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बहराइच हिंसा का असली सच आया सामने, योगी जी पर लोगों को गुस्सा फूटा, इस भाई ने जो कहा उसको सुनकर लोग हैरान रह गए। चलिए देखते हैं वीडियो, आखिर इस भाई ने योगी जी के बारे में क्या कहा, चलिए देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। बहराइच कौन सा जिला है कभी सर्च करना गूगल पे, अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला, यानी सबसे गरीब जिला बहराइच है। और जहां गरीबी वहां अशिक्षा, और जहां अशिक्षा, जहां शिक्षा का कोई महत्व नहीं वहां अंधभक्त, समझ गए, वहां बीजेपी का सपोर्टर तो वहां मिलेगा। भाई जिसकी भी हत्या हुई वो चिंतनीय है, निंदनीय है। किसी एक व्यक्ति की भी हत्या हो रही है तो उस प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए था। मैं ये जानता हूँ योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी भी दंगा को होने से पहले, अगर वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें, बड़ा मजबूत है, तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता, क्यों सीए के प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को गोली लग जाती है, क्यों हाथरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं, भाई पहले क्यों नहीं रोका जाता, भाई हाथरस में क्यों बेटी का बलात्कार हो जाता है, ठीक, क्यों ब्रजभूषण ऐसे बयान दे देते हैं, क्यों इतने सारे विवाद हो जाते हैं। अगर योगी जी सच में पावरफुल हैं और मैनेज कर सकते हैं तो दंगा होने से पहले करें, दंगा होने के बाद तो एक्शन कोई भी लेगा, और फिर एक्शन के नाम पर क्या होगा, कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, मगर ये बीजेपी की पुरानी आदत है कि उसने कभी जिम्मेदारी नहीं ली है। भाई अगर तुम्हारे राज्य में कुछ घटना घटेगी तो घटने उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुखिया तो जिम्मेदार होगा। भाई ऐसे अगर दूसरे राज्यों में घटना घट जाती है, कांग्रेस के टाइम पे घटना घट जाती थी तो घटना के दौरान वहाँ जाते भी थे लोग दंगा पीड़ित। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को आ जाता लोह पुरुष है, क्या था जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था तो बीच दंगे में जाके लोगों को समझाते हैं और वहाँ एक व्यक्ति उनके मुंह पे थूक देता है, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया दूसरा भी थूक दे। तो ये नेता होता है कि जो बीच ग्राउंड में जाके काम करता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात तो करना जानते हैं लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते। गुजरात का दंगा हुआ, मोदी जी एक्यूज थे, मोदी जी ने बहुत साल मुकदमा झेला, बाइज्जत बरी हो गए, पॉलिटिकल क्या कनेक्शन निकला नहीं निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दंगे पे माफी मांगना तो दूर, नरेंद्र मोदी ने आज तक ये भी नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही यूपी में है, दंगा होता है, कम्युनिटी टारगेट होती है, लेकिन दंगे पे माफी मांगना तो दूर, प्रदेश का मुखिया ये तक नहीं कहता कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। जिम्मेदारी तो बहुत बात की बात है, और बीजेपी मतलब दंगा, भाई लठ तंत्र से सरकार चलाने मतलब वाली दंगा? बिल्कुल दंगा मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब दंगा। जिस पार्टी का उदय ही दंगे के नाम पर होता हो, कौन जानता था बाबरी मस्जिद के आंदोलन और राम मंदिर के आंदोलन से पहले भारतीय जनता पार्टी को, देश में दंगे कराने के बाद ही तो ये पार्टी आई लाइमलाइट में, इसके बाद दूसरी बार लाइमलाइट में आती है गोधरा कांड के बाद में। तो जिस पार्टी का उदय ही दंगा कराने के बाद हुआ हो उस पार्टी से दूसरी उम्मीद करते हो। और एक बात बताऊं, असल दंगाई जो है वो बीजेपी में अमित शाह, मोदी जी और ये योगी आदित्यनाथ नहीं है, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक भीड़ तंत्र ना शामिल हो। सड़क पर मौजूद अंधभक्त सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है दंगे के लिए। योगी जी कुर्सी छोड़ दें तो दंगा नहीं बच सकता, ठीक, मोदी जी कुर्सी छोड़ दें तो दंगा नहीं बच सकता, क्योंकि जब बीजेपी पक्ष में थी, पक्ष में है तब भी दंगा हो रहा है, और जब विपक्ष में थी तब भी दंगा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी है जो हर घर तक अंधभक्त तक पहुँची है, और ये अंधभक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक है देश के लिए, और हमें देश में अंधभक्त मुक्त भारत बनाना होगा। इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त है, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन था इसलिए इंडिया अगेंस्ट अंधभक्त है। ये अंधभक्ति है जो
दंगा करा रही है, वरना इससे पहले कोई किसी की कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता था। आपको लगता है कि दंगा करवाए जा रहे हैं? बिल्कुल दंगा करवाया जा रहा है। विचारधारा होती है, मुझे अगर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं आपको मारूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे अगर ये पता हो कि पीछे से पुलिस मेरा सपोर्ट कर देगी और मैं आपको मारूंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यही विचारधारा तो दंगे की विचारधारा है। दंगे में किसी एक धर्म का नारा लगाना, दूसरे धर्म को टारगेट करना या दूसरे धर्म वालों का दूसरे धर्म को टारगेट करना, देखो एक्शन पे रिएक्शन तो होता ही है, ये बात जो सही है, लेकिन पहले किसने एक्शन लिया और पहले एक्शन कौन लेगा? हमेशा पहले एक्शन वो व्यक्ति लेगा जो पावर में होगा। दंगा हमेशा वो व्यक्ति कराएगा जो पावर में होगा, और पावर में इस वक्त अंधभक्त है, बीजेपी के सपोर्टर हैं। भाई वो जानते हैं कि थाने में जाएंगे मैनेज हो जाएगा, बजरंग दल के लोग जानते हैं थाने में जाएगा मैनेज हो जाएगा, आरएसएस के लोग जानते हैं थाने में जाएगा मैनेज हो जाएगा, और दूसरी कम्युनिटी ये भली भांति जानती है कि उसकी गलती नहीं भी होगी तो भी वो दोषी करार दिया जाएगा, तो वो दंगा करेगा क्यों, वो चिढ़ेगा क्यों? तो दंगा कराने वाली आइडियोलॉजी धर्म विशेष की नहीं है, राजनीतिक विशेष की है, और वो राजनीतिक विशेष की विचारधारा बीजेपी से संबंधित है। लेकिन आप तो घुमा के बोल रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर से चल रहा था उसमें क्यों नहीं देखा कि क्या चल रहा है, उसमें देखना चाहिए था पुलिस को, और जहां से निकल रहे थे जुलूस उसमें भी तो फोकस होना चाहिए था पुलिस वालों पर। पुलिस बिल्कुल काम करती है, किसी भी राज्य की पुलिस हो, पुलिस भी बाधित होती है जब तक, भाई मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपकी दो कम्युनिटी का दंगा हो जाए और किसी थाने को 400 आरएसएस के लोग घेर लें और आरएसएस की सरकार है, तो पुलिस स्टेशन पुलिस थाना दबाव में आएगा कि नहीं आएगा? पुलिस अच्छे से जानती है किस कम्युनिटी का जुलूस निकल रहा है, किस पे हार्ड टाइट रखना है, किस पे सॉफ्ट रखना है, पुलिस को मालूम है, और कहाँ जवाबदेही ज़्यादा बनेगी पुलिस को मालूम है, तो पुलिस भी मजबूर है। पुलिस हालांकि ऐसा नहीं करती, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में रहती है चाहे सत्ता किसी की हो। लेकिन मैं जड़ ढूंढो कि दंगा करने की विचारधारा किसकी है। यूपी में इतनी सारे कांड हो रहे हैं, इतनी वारदातें हो रही हैं, और जिस मैं कह रहा हूँ दंगा करते वक्त जो पहला मेन अक्यूज होगा, मैं कह रहा हूँ उसका सोशल मीडिया अकाउंट खोला जाए और उसकी जांच कराई जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसका बीजेपी से कनेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, पक्का निकलेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि जब यात्राएं निकलती हैं एक समय की, तभी इस तरह की हरकत क्यों होती है? इस तरह की हरकत बीजेपी के शासन के आने के बाद क्यों होती है, ये सवाल होना चाहिए। बीजेपी नहीं थी उससे पहले भी यात्रा निकलती थी, जगन्नाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर पहले से मौजूद है और लोग जाते थे श्रद्धा से, कभी हमने कोई यात्रा पे पथराव नहीं सुना। बीजेपी के आने के बाद क्यों सुन रहे हैं जी? दुनिया भर के मंदिर लोग जाते थे, लोग अपनी श्रद्धा से जाते थे, खूब तीर्थ यात्रा करते थे, कोई अप्रिय घटना घट गई प्राकृतिक की वजह से तो अलग बात है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का कभी उसमें विवाद नहीं हुआ। ठीक, बीजेपी के आने के बाद कैसे हो गया जी? मतलब नफरत पहले नहीं थी? नहीं, नफरतें देखो जो थी वो बीजेपी के अंधभक्त थे उनमें थी, लेकिन उनकी परसेंटेज कम थी। अभी तुम रात दिन टीवी में एक वो है, क्या नाम है, दीपांकर महाराज हैं, वो गली गली यात्रा करते निकल रहे हैं कि हिंदू जाति में नहीं बटेगा, संप्रदाय में नहीं बटेगा, हिंदू एक हो जाओ। रात दिन देश को यूनाइट करने के नाम पे, हिंदू को एक करने के नाम पर देश को ही बांट रहा है वो व्यक्ति। हिंदू एक हो जाओ मतलब बाकी की कम्युनिटी वाले साइड हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ यानी फिर मुसलमान अलग, ठीक, अपना बंटवारा हो गया ना। हिंदू एकता देखो बोलने का तरीका बदल दिया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भाई धर्म के नाम पर, जोड़ने के नाम पर तुम ऐसी बातें क्यों फैला रहे हो? हमने तो आज तक नहीं सुना कि हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, सारे भारतवासियों एक हो जाओ। भाई धर्म में मत बटो, अगर जाति में बांटना बुरा लग रहा है तो तुम्हें धर्म में बांटना बुरा क्यों लग रहा है? इंसानियत के नाम पर बात क्यों नहीं करते कि भाई? लेकिन अखिलेश यादव तो बहराइच को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। बहराइच कौन सा जिला है, कभी सर्च करना गूगल पे, अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला, यानी सबसे गरीब जिला बहराइच है, और जहां गरीबी वहां अशिक्षा, और जहां अशिक्षा, जहां शिक्षा का कोई महत्व नहीं वहां अंधभक्त, समझ गए, वहां बीजेपी का सपोर्टर तो वहां मिलेगा। लेकिन जो गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है उसमें कहा जा रहा है कि खींच के मारा गया बकायदा,
भाई जिसकी भी हत्या हुई वो चिंतनीय है, निंदनीय है। किसी एक व्यक्ति की भी हत्या हो रही है तो उस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए था। मैं ये जानता हूँ योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी भी दंगा को होने से पहले अगर इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाले माने जा रहे हैं कि भाई बाबा जी का फैसला बड़ा मजबूत है, तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता? क्यों सीए के प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को गोली लग जाती है? क्यों हाथरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं? भाई पहले क्यों नहीं रोका जाता? भाई हाथरस में क्यों बेटी का बलात्कार हो जाता है? ठीक, क्यों ब्रजभूषण ऐसे बयान दे देते हैं? क्यों इतने सारे विवाद हो जाते हैं? अगर योगी जी सच में पावरफुल हैं और मैनेज कर सकते हैं तो दंगा होने से पहले करें। दंगा होने के बाद तो एक्शन कोई भी लेगा और फिर एक्शन के नाम पर क्या होगा, कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाए। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।